as simple as Prabhu Ram, I would say. That was so simple, but just so from the heart. Thank you, love you. बोलो सियावर प्रभु रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, बोलो श्री राम लक्ष्मण जान की। बहुत ज्यादा कृपा है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रभास लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, राघव जी की बात की, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ईच वन ऑफ अस हियर, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। सो या आई शुड थैंक ओम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। वी डिड दिस फिल्म विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रभास सर। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। आई वुड से एज सिंपल एज प्रभु राम, आई वुड से दैट वाज सो सिंपल बट जस्ट सो फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू, लव यू। कृति, आपके लिए एक छोटा सा सवाल। मैं ये नहीं कहूंगा आप क्या कहेंगी, मुझे ये बताइए, आपने जिस तरह से उस किरदार को जिया है, जानकी जी का किरदार, और बखूबी निभाया है उसे, जिया है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जय श्री राम। जय सिया राम। सबसे पहले मैं आज एक्चुअली मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बार ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पे मैं आई हूँ, बहुत बार आप सबके सामने इस स्टेज पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन आज मैं बहुत इमोशनल थी। हम लोग वहाँ से ये ट्रेलर देख रहे थे और गूज़बम्स थे। एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग थी, क्योंकि ये फिल्म जो है ये खाली फिल्म नहीं है, ये उससे काफ़ी बढ़कर है हम सब के लिए। और इस फिल्म को बनाते हुए भी जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। ओम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जानकी के काबिल समझा, कि आपने कि आपको आपको ये विश्वास था मुझ पे कि मैं जानकी का रोल निभा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम एक्टर्स होंगे जिनके लाइफ टाइम में उन्हें ऐसा रोल निभाने का मौका मिला होगा। सो आई फर्स्टली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे रिस्पेक्ट से ये रोल निभाने की कोशिश की है। मुझे कई बार होता है, आपके किरदार ऐसे होते हैं, ये एक ऐसा किरदार है मेरे लिए। श्रद्धा पहले से तो थी, लेकिन फिल्म के दौरान वो श्रद्धा और बढ़ती गई, क्योंकि मैं और इस किरदार को समझती गई। और एक बहुत ही प्योर काइंड सोल, बहुत लविंग हार्ट और एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का जो कॉम्बिनेशन है, मेरे लिए जानकी का किरदार वो था। यहाँ पर वो पोस्टर है नहीं, लेकिन अगर जो आप पोस्टर आया है उसे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है उसमें पीड़ा है, उसमें दर्द है, उसमें इंतज़ार है, उसमें यादें हैं, लेकिन उसमें डर नहीं है। और उनका जो विश्वास था उनके राघव पर, कि उनके राघव आएंगे और उस अशोक वाटिका में रहना, उस विश्वास के साथ मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा इमोशन था। एंड पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से मैंने निभाने की कोशिश की है, अपना 200% देने की कोशिश की है। बाकी वो भगवान है, हम इंसान हैं, कुछ अगर भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए। सनी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, इस कमाल की टीम के ऊपर? पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, जय श्री राम।
बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, और द होल जर्नी हैज बीन वेरी गुड. एंड थैंक यू ओम सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड हर दिन शूट पे बहुत एक सरियल फीलिंग थी, एक घूसबम्स आते थे, और बहुत इमोशनली जुड़े हैं हम इस फिल्म से. एंड एट द सेम टाइम दिस इज माई फर्स्ट एक्शन फिल्म, एंड आई ऑल्सो डेडिकेट टू माई फादर हु हैज वर्क्ड 35 इयर्स इन द एक्शन इंडस्ट्री. एंड इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज थैंक यू. आई लॉस्ट माई मदर लाइक 6-7 months बैक, एंड शी यूज टू टेल मी कि तू जब जाएगा तू अपना 100-200% देना. वो बहुत जुड़े हुए थे, और वो एक चीज़ है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी. अब ये स्टेज पे खड़े हैं तो टुगेदर वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन द फिल्म, और हर दिन बहुत स्पेशल था. एंड आई जस्ट से थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग, एंड डू वॉच द फिल्म. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच. देवदत्त सर, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है. प्रभु राम का सेवक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. यहाँ जिस हिसाब से आपने, यस बिल्कुल बनती हैं तालियां, बिल्कुल बनती हैं, जिस खूबी के साथ आपने इस किरदार को निभाया है, ऐसा लग रहा था हनुमान जी खुद आ गए हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं प्रभु की भक्ति के लिए. क्या कहेंगे? बोलो सियावर प्रभु रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, बोलो श्री राम लक्ष्मण जान की. मनोज जी, मुझे ये आपसे कहना है कि हमेशा लोग बोलते हैं कि सरस्वती माँ कहाँ है, तो आते ही मैंने पहले आपके हाथ देखे और मैंने सरस्वती जी का दर्शन किया. जो अभी जयघोष हुआ प्रभु श्री रामचंद्र का, सीता माँ का, बजरंग बली का, ये जयघोष हमेशा हर रोज जब हमारी शूट स्टार्ट होती थी तो पहले जो कुछ होता था तो वो जयघोष होता था. तो शायद इसी के बदौलत प्रभु रामचंद्र जी वहां थे, और मैं जो बजरंग बली के कर्ण इतना भी नहीं हूं पर हमेशा उनको ढूंढता रहता था. कुछ प्रचीति मुझे ऐसी आई कि जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, पर यही बात बोल रहा हूं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि बजरंग बली जी तो अमर है, वो चिरंजीव है. और मुझे आप सबसे कहना है कि बस आप सब मेरे लिए प्रभु रामचंद्र है, और बस मैं बजरंग बली हूं. पर मुझे और एक बात आपसे कहना है कि मुझे यहां सब बजरंग बली दिखाई दे रहे हैं. आपको पता है क्यों? बताता हूं मैं. बजरंग बली श्री रामचंद्र की जय सेवक थे, बजरंग बली श्री राम जी के दूत थे, वो राम दूत थे. तो हम जो आदि पुरुष यहां पे दिखा रहे, मेरे ये सब भाई लोग, मेरे सब दोस्त, यही संदेशा सबको बताएंगे, इसलिए सब राम दूत है. मेरी पात्रता उतनी भी नहीं है कि मैं यहां पे आके खड़ा रहूं, क्योंकि मैं वहां पे था और देख रहा था, मैं प्रभु रामचंद्र जी को देख रहा था, मैं जानकी माँ को देख रहा था, मैं लक्ष्मण भैया को देख रहा था, और मैं श्री बजरंग बली जी को भी देख रहा था. बस अभी भी यहाँ पे है वो. बोलो सियावर प्रभु रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की, बोलो श्री राम लक्ष्मण जान की, बोलो हनुमान की. ये सब हमारे लिए भूषणा वह है. भूषण जी धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. वो मैंने सुना है हम ध्वज लेके आए हैं उनका स्वागत करने के लिए, एक बार दिखा सकते हैं कहां है वो ध्वज? ध्वज द फ्लैग्स दिख रहे थे ना अभी. अच्छा हटा दिया आपने. वी ऑलरेडी सॉ दैट. ओके सर, लव यू आ रहा है इशू. क्या किया ओम सर, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम. बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ पे देख के. अच्छा लगा ट्रेलर. मैं आप सब से एक ही बोलना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पे आए, हम लोगों को इतना प्यार दिया, और जिस तरह से हमने ये पूरे भक्तिभाव से ये फिल्म बनाई है,
उसी तरह से लोग इसे देखेंगे और इसके जो विविध पहलू हैं, पहली बार बहुत सालों के बाद और हिंदी में पहली बार प्रभु श्री राम की गाथा जो है हमें बड़े पर्दे पर देखने मिलने वाली है, वो भी 3D में देखने मिलने वाली है। तो हमने ये बनाते वक्त बहुत आनंद लिया है। मैं सोचता हूँ और ये समझता हूँ और मेरी पूरी टीम के एक कैप्टन के तौर पे मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा कि हम सबको लगता है कि हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये फिल्म बनाने में ये प्रभु श्री राम की गाथा जो है, ये रामायण का ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आदि पुरुष, इसे हमें करने का हमें एक मौका मिला। रामायण की गाथा जो है वो कई सालों से हमारे भारत में चलते आ रही है, विश्व में चलते आ रही है। रामलीला जो है वो हमारे हर गांव में चलती है, रामलीला जो है हमारे हर शहर में चलती है, कई सालों से चलती आ रही है। वो रामलीला का एक एक कलाकार, ये कितने हजारों सालों से ये रामलीला चल रही है, वो रामलीला का एक एक कलाकार, उन्होंने जितनी सालों से मेहनत की है, जितनी सालों से श्रद्धापूर्वक मेहनत की है, वो सब मेहनत, उन सब के लिए मैं ये आदि पुरुष डेडिकेट करना चाहता हूँ। सालों से चलती आ रही है और आगे वाले अनेक वर्षों तक ये चलती रहेगी। हमें सबको ऐसे लगता है कि ये एक 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 बस है और ये बस के अंदर आज हम चढ़े हैं, ये बस में हम कुछ साल चलते रहेंगे और फिर हम उतर जाएंगे और फिर और कोई चढ़ेगा, पर ये बस जो है, ये रामलीला का जो ये जो जर्नी है, ये चलती ही रहेगी। जब तक भारत है तब तक हम सब रामलीला विविध रूप में देखते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आप सब आए, फिर से आपका धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भूषण सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूं, आज मेरे पापा का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पापा डिवोशन में बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने, डिवोशन के ऊपर, खुद के ऊपर गाने भी किए हैं, गाने गाए भी हैं, तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये, क्योंकि मेरे पापा ने वैष्णो माँ पे फिल्म बनाई है, चार धाम पे फिल्में बनाई हैं, बहुत चीज़ों पे फिल्में बनाई, बट जब ओम ने मुझे लॉकडाउन के टाइम पे एक हम फिल्म बनाने की सोच रहे थे तानाजी के बाद, तो ओम ने मुझे बोला, अचानक एक दिन फ़ोन करके बोला मुझे रामायण बनानी है, मीन्स मेरे को पापा की डायरेक्शन लगी कि मुझे उसी टाइम उसको हाँ बोल देना चाहिए कि वो ही ये फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने अच्छे लेवल पे ये फिल्म बनी है, एंड आई एम वेरी वेरी इमोशनल टुडे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे एंड फॉर योर रिस्पांस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज सर, ये वाला आपके लिए, आपने कहा था प्रभु आइए, और जब वो ट्रेलर चला तो यहाँ हम सब ने उनकी प्रेजेंस को फील किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा बाइक ऑन है जी। नितिन, शायद यही जादू है, यही चमत्कार है, यही मिराकल है राम नाम का। ये ट्रेलर चल रहा था और पता नहीं कितनी बार, कितनी अच्छी फिल्में जो भूषण जी ने बनाई हैं, जो ओम ने बनाई हैं, हमने सैकड़ों बार ये मोमेंट्स विटनेस किए हैं कि हाँ, एक अच्छा ट्रेलर हमने देखा और एक यूफोरिया, एक क्रेज लोगों में सुनाई पड़ा, देखने को मिला, लेकिन ऐसा प्रताप, ऐसा पुण्य, ये मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। और मैं एक बात समझता हूँ कि हमसे हमेशा कहा जाता है, और ओम से भी और भूषण जी से भी, कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है आज ऑफिशियली हम सबको कुछ भी कहना बंद कर देना चाहिए। आज के बाद जो कहेगा, पहले हमारा ट्रेलर कहेगा और फिर आप कहेंगे, क्योंकि आपने ये ट्रेलर देखा है, आपके अंदर ये बात पहुंची। जय श्री राम। तो साथियों, मैं समझता हूं कि जो 140 करोड़ भारतवासी हैं, अब उनको आदि पुरुष के बारे में बात करनी है, हमारा काम हो गया। हमारा काम ये फिल्म, इसका कथानक, श्री राम का चरित्र पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे डिवोशन के साथ आप तक पहुंचाना था, यहां से आप संभालिए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि देशवासी इसे बहुत अच्छे से संभालेंगे और इसकी सही जगह तक पहुंचाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।